Hello everyone, I hope you are doing well. So this is Akash Saini. So today we are going to discuss about BrahMos missile and DRDO lab establishment in Lucknow. So अभी recently UP के लखनऊ में DRDO lab and BrahMos missile establish की गई है. हमारे UP के जो CM है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह 26 दिसंबर को इन दोनों की आधारशिला रखेंगे. ब्रह्मोस मिसाइल भारत की सबसे खतरनाक और बेहतरीन मिसाइल है जिसने पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवाया है इन टर्म्स ऑफ डिफेंस. ब्रह्मोस के निर्माण और DRDO लैब के शुरू होने से यूपी सैन्य और रक्षा इक्विपमेंट के निर्माण में एक नई ताकत बनकर उभरेगा जिससे रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे. इन द कमिंग ईयर्स DRDO 10,000 करोड़ इन्वेस्ट करेगा जिससे लखनऊ और इसके आसपास के जितने भी छोटे माइक्रो स्मॉल सेक्टर्स हैं MSME सेक्टर्स हैं उनको काफ़ी बेनिफिट होगा. DRDO के पास पहले से ही ब्रह्मोस के तीनों सेनाओं के अलावा जो दुनिया के दूसरे कंट्री से भी ऑर्डर आ चुके हैं और दुनिया के कई नए देश इस सबसे बेहतरीन और ख़तरनाक मिसाइल को अपनी सेना में शामिल करने की दिलचस्पी दिखा रहे हैं और ये हमारे इंडिया से ब्रह्मोस मिसाइल को परचेज करेंगे. ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है. और ब्रह्मोस मिसाइल की क्या खासियत है, सो लेट्स टॉक अबाउट ब्रह्मोस मिसाइल. ब्रह्मोस मिसाइल एक सुपर सैनिक क्रूज मिसाइल है जिसका इस्तेमाल तीनों सेनाओं द्वारा किया जा सकता है, चाहे वो नेवी हो, आर्मी हो या एयरफोर्स हो. और सबसे बेहतरीन जो बात है इस मिसाइल की ये है कि इस मिसाइल को हम सबमरीन से, जंगी जहाज से, एयरक्राफ्ट से, इवन लैंड से भी इसको लॉन्च कर सकते हैं. और यह मिसाइल रशिया के कॉन्ट्रीब्यूशन से बनी है जिसके तमाम इक्विपमेंट पार्ट इंडिजिनियसली भारत में बनाए जा रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच.